जय जिनेन्द्र, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। MMPG परिवार की तरफ से मैं अलका सांखला, योग ट्रेनर, आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हमेशा की तरह पहले आसन कम कम करते जाएंगे, जो आपको देख के करते रहना है, कुछ नए आसन आज बताएंगे। तो प्रार्थना के लिए तैयार? तीन बार ओंकार। तो सब वार्म अप के लिए तैयार? पहला सा वार्म अप थोड़ा सा करेंगे, कुछ नई क्रियाएं आज बताऊंगी। तो स्टार्ट में आपको पता है, हाथ ऊपर ले जाना है, धीरे से टपकाना है। ये बहुत अच्छा होता है और इनको रोज करना ही है, क्योंकि हाथ की उंगलियां, मस्तिष्क, पेट, पीठ, कमर, पेड़ी और अंगुलियों, पूरा शरीर का एक एक अवयव, सारे नस इससे खींचे जा रहे हैं। तो इसको जितना अच्छा करोगे तो बहुत फायदा होगा। फिर इसी को ही उंगलियों को अलग अलग प्रकार करने हैं। उसके बाद में सबसे मेन है, आपको पता है, मस्तिष्क के स्टार्ट करेंगे तो ये गर्दन की क्रिया, तो हमारा चक्र होता है यहाँ, विशुद्धि चक्र है, और यहाँ थायराइड ग्रंथि है। आपको पता है कि हम गर्दन के प्रकार करते हैं, इसको ग्रीवा संचलन भी बोलते हैं, इसका विकास बहुत अच्छी तरह होता है। तो इसको भी करना ना भूले, जल्दी जल्दी नहीं करे, इसको थोड़ी देर रखे। तनाव कहाँ आता है, कैसे आता है, ऐसे अनुभव लेंगे और पीछे छोड़े, इतना छोड़ो गर्दन अपनी है ही नहीं है। तनाव नाभि से लेकर पूरी टूटी तक खेच अनुभव करो, और यहाँ सबसे ज्यादा खेच आनी चाहिए। बहुत तनाव, जितना पीछे जाओगे और थोड़ी देर रुक के पूरा महसूस करो, कमर खींच रही, यहाँ थोड़ा सा दबाव आ रहा है, पेट थोड़ा आगे आता है, ये सब महसूस करना है खाली करने के लिए। 1 2 3 4 ऐसा ना करे, मैं जैसे बताती हूँ ध्यान से करे। जब करे तो पूरा ध्यान उस आसन में लगना चाहिए। योगिक जीवन पद्धति जानना है, उसका तो एक लेक्चर आने वाला है, पर अब मैं इसी में शुरुआत करती हूँ कि जो कर रहे हैं उसमें पूरा इन्वॉल्व होना, उसी में ध्यान। नहीं तो कोई बात कर रहा है, हाँ बोलो क्या है, हाँ, ऐसे करते करते लोग आसन करते हैं, ऐसा नहीं करना है। सारी दुनिया भूलना है, आंखें कोमलता से बंद करना है और अनुभव करना है कि मेरी टूटी खाले में जा रहे हैं, या थायराइड ग्रंथि है, ये बहुत प्रॉब्लम करती है कभी कभी, ये करूँगी तो मेरी थायराइड ग्रंथि बहुत अच्छी एक्टिव रहेगी, यहाँ का रक्त संचलन अच्छा होगा तो इसकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, श्वास लेना है, छोड़ते छोड़ते पूरा पीछे छोड़ते,
इतना तनाव पूरा महसूस करो। तो ये बहुत जरूरी है कि आसन करे, योगिक पद्धति से करने, तो पूरा मन ध्यान एकाग्रता उसी में होनी चाहिए। कहाँ तनाव आते उसका अनुभव करना है। अब दूसरा, कंधे को राइट साइड, कंधा उठाना नहीं है, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, पहली बार सिखाया है, मैं तो कंधा नीचे करती जाती हूँ और गर्दन को और खींचती हूँ। तो देखो यहाँ एक नस है वो खड़ी हो जाती है, तो ये नस खड़ी होनी चाहिए और यहाँ पूरा दबता है। तो देखो कितना अच्छा हमारा गर्दन का तनाव होता है, एक जगह खींच होती है, ये सब अनुभव करते करना है। और चक्र भी लोग मैंने देखा है ऐसे करते, ऐसे नहीं करना है, पूरा एक टच हो गया, दो तीन चार पाँच छः, कंधे को लगना चाहिए, सात एकदम पीछे, आठ नौ दस। ये तो मैंने धीरे धीरे इसलिए बताया, हर आसन में इस तरह इन्वॉल्व होना है, आंखें बंद करके उसका अनुभव करते 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 प्रयोग करते जाने हैं। नया प्रयोग आज सिखाना है, तो बाकी के मैं करूंगी नहीं, आज मैं आपको एक नया आसन बता रही हूँ, बहुत अच्छा आसन है। इस आसन बोलते हैं रनिंग जो नहीं कर सकते, उम्र वाले बहुत है, और वॉक करते हैं पर बहुत स्लो करते हैं, परंतु फिर जो वॉकिंग के फायदे वो उनको ज़्यादा नहीं मिलते, चल भी नहीं पाते, तो आज उनके लिए एक बहुत अच्छा आसन बता रही हूँ। इससे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, वॉक का भी फायदा होता है। कभी कभी तो ऐसे भी कहते कि ये 5 मिनट करोगे ना तो आधे घंटे वॉकिंग का आपको फायदा मिलेगा। तो ये नया है, बहुत अच्छा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से देखना, दोनों हाथ सामने, उंगलियां बंद करनी है अंगूठे से, ये बंद करके देखो हमारे हाथ कोहनी से मुड़ेंगे और हमारे पास आएंगे। ये नया है, ध्यान से सीखना है और ये करना है। इसमें क्या करना है, जब हाथ आगे करना है तब ये पैर पीछे लगना चाहिए, और फिर इस तरह जो हाथ आगे उसका अपोजिट पैर पीछे एकदम टच होने की कोशिश करें, तो इस तरह करना है। इसको श्वास के साथ भी करना है, शुरू में धीरे करना है, फिर स्पीड से करना है, इसमें रनिंग के फायदे मिलते हैं। तो देख लीजिए, देखा श्वास की आवाज आनी चाहिए, जितना हाथ झटके से आगे जाएगा उतने झटके से पीछे आना चाहिए, पूरे कंधे का संचलन होगा और पैर का, बहुत बढ़िया है। पहले स्लो करना है प्रैक्टिस के लिए, देखो इस तरह, फिर गति बढ़ानी है सेकंड प्रकार, तीसरा प्रकार मैं बताने जा रही हूँ। इसमें 5 स्टेप चलना है आगे और 5 स्टेप बाद वो पीछे आना है, जैसे हम वॉकिंग कर रहे हैं। तो तीसरा प्रकार देखिए, मैं पीछे से आती हूँ आपके पास, आगे आऊंगी फिर आगे से पीछे जाऊंगी, देखना हाथ कर रहा, ये था तो उसका पैर, इसको भी स्पीड कर सकते, पसीना भी आ जाता है। ये बहुत अच्छा आसन है, ये आज आपके लिए नया बताया, आपको इसकी प्रैक्टिस अच्छी करनी है। वॉकिंग के फायदे देखो, मुझे पूरा पसीना आया है, इसमें रिलैक्स होते हैं। तो अभी मैं आपको बैठ के रिलैक्सेशन बताने वाली हूँ, जिसको हम कायोत्सर्ग कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आज मैं बताने जा रही हूँ आपको, कायोत्सर्ग करना है। तो देखो बैठक स्थिति में आना है और ये आसन हम पूरा सो के करने वाले हैं, शयन स्थिति में, अभी तक हम शयन स्थिति में आए नहीं है। आज तक हमने जो भी आसन किए हैं बैठक स्थिति में किए हैं, दंड स्थिति में किए हैं, आज नया देखेंगे शयन स्थिति में कायोत्सर्ग कैसे करते। कायोत्सर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप आसन करते 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 थोड़े भी थक जाते हैं तो आपको तुरंत शवासन करना है,
शवासन जिसको हम कायोसन बोलते हैं। तो इसका शवासन का अर्थ क्या है, शव शव यानी डेड बॉडी, तो बॉडी को इतना ढीला छोड़ दो इतना जैसे डेड बॉडी, हाथ उठेंगे तो गिरना चाहिए, तो रिलैक्सेशन करना है और आराम करना है। अभी मैंने बहुत दौड़ी, इतना भी इस एज में नहीं होता है आप लोगों से, तो थकान तो आएगी, तो ये आसन जैसे भी करेंगे आपको कम से कम 5 मिनट का रिलैक्सेशन करना है। यहाँ मैं 2-3 मिनट का दिखाती हूँ, शयन स्थिति दिखाती हूँ आज, आगे हम शयन स्थिति में आसन करने वाले, तो आप देखना पूरे शरीर को किस तरह शयन स्थिति में जाना है। ये बैठक स्थिति है, पूरा देख लेना कि आपको पूरा दिख रहा है, पूरा बॉडी दिखनी चाहिए। ये देखो हाथ का आधार लेना है और धीरे से आपको सेट होना है। ये शयन स्थिति है, ये शयन स्थिति में हम शवासन की पोजीशन कैसे लेंगे देखना। पैर में 1 से 1.5 फुट का अंतर, एड़ी अंदर अंगुली बाहर, पूरी अंगुली बाहर करने की कोशिश करनी है, थोड़ छोड़ देंगे ऐसे तरंगती नहीं रखनी, पूरी अंगुली लास्ट अंगुली जमीन को टच करे। हाथ 4 से 6 इंच दूर रहेंगे, थोड़ा अंगूठा आधा मीठा अंगुली आधी मीठी आकाश की ओर हाथ। अब गर्दन लेफ्ट सेंटर राइट, सुविधा अनुसार जहाँ रिलैक्स लगे वहाँ छोड़ दो डेली, जैसे पीछे मैंने डेली छोड़ दिए। अब आंखें को ममता से बांधिए, चेहरा शांत, आसन से श्वसन तेज हुआ है, दिख रहा है कि पेट ऊपर नीचे यानी जल श्वसन शुरू हो रहा है, तो धीरे धीरे श्वास बंद होना चाहिए। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, इस तरह सूचना देनी है। सूचना देने के बाद मन से अवयव के पास जाना है, शिथिल करना है और शिथिलता का अनुभव करना है। तो ध्यान से सुने, शिथिलता का सुझाव दे और शिथिलता का अनुभव करे, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, अनुभव करे शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल शिथिल, संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया शिथिल। ये श्वास मंद नॉर्मल होने तक, अभी मैंने दिखाया पर आपको ये 5 से 10 मिनट तक करना है बस, मैं अब इतना ही करूंगी और आसन छोड़ने की क्रिया बताती हूँ। एक गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ पास में, दोनों पैर, अभी हमने बताया वो पहले पैर किए थे हाथ किए थे फिर गर्दन की थी, छोड़ते समय उल्टा करना है, पहले गर्दन सीधी हाथ पास में और फिर बैठक स्थिति में आते समय एक तो हाथ का आधार लेके आइए या बालासन में आते इस तरह और इस तरह आधार लेके बैठक स्थिति में आते। तो आज मैंने आपको नया बताया, वो बताया शवासन अथवा कायोसन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप काम करते हुए थकते हैं तभी भी इसको उपयोग करें, ग्रंथों में इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। साधु संतों के लिए तो दिन में कई बार कायोस्वर करना है, कोई भी क्रिया करने के बाद आओ शवासन करो यानी कायोस्वर करो। कायोस्वर का अर्थ है काय अधिक उत्सव, काय यानी शरीर, उत्सव यानी छोड़ देना, तो शरीर को पूरा शिथिल शिथिल छोड़ देना। कभी हम एक दिन केवल 20-25 मिनट का कायोस्वर का प्रयोग भी करके देखेंगे। तो आज नया प्रयोग रनिंग का सिखाया है और दूसरा बताया मैंने आपको कायोस्वर, तो आपको जितने भी आसन करते थोड़ा हो गया थोड़ा कायोस्वर करो, फिर थोड़ा करो फिर कायोस्वर करो, इस तरह बीच बीच में रिलैक्सेशन करना, यही तो योगासन का महत्व है कि शांत शिथिल स्थिर होना चाहिए। तो योगिक पद्धति से जीना है तो रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, रिलैक्स दिन भर रिलैक्स रहना है, तो कायोस्वर करना है, थकान आती है थकान
संख्या निकालनी है तो दिन भर हम प्रसन्न रहेंगे। तो आइए अब हम चलते डायरेक्ट कहाँ, थोड़ा रिलैक्स होना है तो पैर के टपकाओ, ये तो सब सिखाया हुआ है। पैर को एकदम जितना आवाज आनी चाहिए, पैर के दर्द कम होंगे। फिर उंगलियों को आगे पीछे कराओ, उंगलियों को दबाओ, खींचो छोड़ो, पैर को अंदर करो, चक्र करो, ये सब प्रयोग सारे हो चुके, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, थोड़ी बात करेंगे हम श्वसन पे, हमने जो इस लास्ट टाइम के प्रयोग किए उसको थोड़ा रिपीट करना जरूरी है। मेरा मेन उद्देश्य क्लास का यही है, जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा, इसलिए मैं अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट दूंगी कि आप श्वसन पर ध्यान दें। योगिक जीवन पद्धति सीखनी है तो सतत श्वास का ध्यान दो, समय मिले तब श्वास पर ध्यान दो। लंबा श्वास लो, धीरे धीरे श्वास छोड़े, समय मिला आंखें बंद की, पूरा ध्यान श्वास पे केंद्रित किया। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास को देखना है। और इसके बाद में श्वास को देखते देखते श्वास के साथ चित्त को जोड़ना है, श्वास के साथ साथ अंदर जाना बाहर आना। फिर दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे तब पेट फूलता है, पेट सिकुड़ता है, पेट के फूलने और सिकुड़ने दोनों अनुभव के साथ दीर्घ श्वास का प्रयोग करना है। लंबा सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है, जितना समय श्वास लेने में लगे उससे डबल समय श्वास छोड़ने में लगे, इसकी ओर ध्यान दें। तो आइए अब हम आगे का प्रयोग करते हैं श्वास का ही। तो बैठने के लिए सह स्थिति बताई थी मैंने, दोनों पैर में अंतर लेंगे, एक पैर को मोड़ेंगे और एक पैर को ऊपर रखेंगे। और लास्ट के दो प्रयोग जो है हमने सोफा पे देखे हैं, तो अभी हम भी आज सोफा पे बैठ के भी देखेंगे, तो उसके लिए भी देखना है आपको कि कैसे बैठना है। पहले हाथ का तो आपको मुद्रा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड भीतराधि मुद्रा। अब मैंने बोला था प्रणव मुद्रा में क्या क्या केयर लेनी है, तो मैं बताती हूँ, आपके ध्यान में नहीं आया हो, ये प्रणव मुद्रा है। और प्रणव मुद्रा में हम जब श्वास लेते आप बंद करते हैं, कुंभक के साथ प्रयोग करते हैं, बाह्य कुंभक और अंतः कुंभक, दो कुंभक होते हैं इसमें। तो ध्यान दे, मैं आप बताऊंगी कि केयर क्या लेनी। आप मेरे हाथ की पोजीशन देखें, पूरा श्वास छोड़ा, थोड़ी देर कुंभ। अब केयर क्या लेनी है, देखो हाथ ऐसा नहीं रखना है, ऐसा रखने से बहुत देर प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अगर आपको 10 मिनट ये काम करना है तो 10 मिनट हाथ ऐसा रखोगे तो दर्द हो जाएगा ना, तो केयर ये लेनी, हाथ आराम से रिलैक्स छोड़ना है, इस तरह पोजीशन में करना है। देखो समझ में आया, तो केयर ये हो गई। अब भस्त्रिका करना है तो मैं सोफा पे बैठूंगी, कपालभाति और भस्त्रिका आज रिपीट करेंगे, तो हम सोफा पे बैठ के कर ले हैं, क्योंकि हमें पता है कुछ उम्र वाले लोगों के लिए ऊपर बैठने के करना, ताकि उनको पेट की भी पोजीशन अच्छी आ जाएगी, रनिंग भी वो बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। तो अभी हम सोफा पे बैठ के लास्ट के लिए ये दो फ्रेम वापस करने वाले हैं, तो आपको ध्यान देना है, पेट के ऊपर देना है। कपाल भाति होती है, इसमें पेट का पूरा झटका होता है, ये पेट पीठ को लगनी चाहिए, यानी बोलते कि नाभि पीछे टच होनी चाहिए, इतना अच्छा प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा हलन चलन बॉडी की नहीं होनी चाहिए, श्वास ले तब हाथ बॉडी नहीं होनी चाहिए, पूरा बॉडी स्ट्रेट और एक जगह पर, ये कार्य पूरा अपने अंदर होता है, श्वास नली का,
ये सारे फेफड़े और पेट ये काम करते हैं, तो ये हलन चलन करेंगे, हाथ नहीं करेंगे, गर्दन नहीं करेंगे, श्वास लेंगे तो ऐसे नहीं करें, बहुत ध्यान से करना है। तो मैंने नीचे बताया वो दीर्घ श्वास और जलद श्वसन मैंने सिखाया था, और भस्त्रिका, ये दोनों एक जैसे लगते पर इनमें फर्क क्या है, तो देखो आज मैं वापस बताती हूँ कि जलद श्वसन यानी तीव्र श्वास बोलते हैं, ये कैसा करना है, इसमें स्पीड बढ़ाते हैं, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इस तरह स्पीड करते हैं, भस्त्रिका में एक जैसा ही करते हैं और हाथ भी खींचते, जलद श्वसन में हाथ खींचने नहीं है। एक बार देखो जलद श्वसन क्या है और उसके बाद भस्त्रिका, तो डिफरेंस पता चलेगा। लंबी सांस लेनी और झटके से सांस छोड़नी, देखो इसमें धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है, झटका पहले जोर से होता है, और भस्त्रिका में ऐसा नहीं होगा, एक जैसा होगा और स्पीड रहेगा इसमें, ठीक है, समझ में आया दोनों में डिफरेंस। अब देखा आपने जलद श्वसन, अब भस्त्रिका देखते हैं, भस्त्रिका में कम से कम 300 बार करेंगे, इतनी होती नहीं है, तो एक एक अलग अलग पोजिशन में करेंगे, तो हो सकता है उसमें हमें अलग ज़्यादा कर सकते, तो कोशिश करें एक एक में 50-50 करने की कोशिश तो करेंगे। तो सहले हाथ ऊपर, पूरा हाथ ऊपर, देखना हाथ पूरा हो, खींचना है, ऐसे ढीले नहीं छोड़ना, बॉडी भी ढीले हो, पूरे शरीर भी स्ट्रेट, देखो हाथ, और ये खींचते हुए नीचे आएंगे तब बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, और श्वास की गति भी वैसे होनी चाहिए। देखें शुरू करते हैं, एक प्रकार नंबर दो, प्रकार नंबर तीन, इस तरह हमें अलग अलग कुछ इसमें 50-50 150 बार तो स्टार्ट करो, फिर 300 तक ले जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में कपाल भांति बताऊंगी, प्रयोग संपन्नता की ओर जाएगा, क्योंकि हमारा समय आधे घंटे का होता है। देखा हमने आसन करते करते पहले 15 मिनट गए, श्वसन के लिए 15 मिनट, तो हम अभी ऐसे करेंगे, पुराने का एक खड़ा दूसरा आसन लेंगे, एक नया आसन सीखेंगे, और फिर ज्यादा से ज्यादा ध्यान श्वसन पे देंगे। आज जो कायस्थ सिखाए उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, और मैं आपको एक ऑडियो भी भेज दूंगी कि नींद नहीं आती, जिनकी नींद की प्रॉब्लम है उनके लिए भी मैंने कायस्थ का ऑडियो बनाया है, बस उसको लगाओ और आप सो जाओ, और फिर आपका फीडबैक देना कायस्थ करने से कितनी अच्छी नींद आती है, तो ये नींद के लिए भी उपयोगी आता है, तनाव मुक्ति के लिए भी उपयोगी आता है, फिर रोगों को दूर करने के लिए क्या करना है। अब आज एक नई सूचना दे रही हूँ आपको, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, जागतिक योग दिवस है, 21 जून के लिए हमें कुछ खास करना है, हम उस पर चिंतन करेंगे, और सबको 21 जून तक योग में होना है, और आपको एक, मैं भी बहुत बिजी हूँ तो इसीलिए आपको ऑडियो नहीं भेज रही हूँ, भेजने का मन में है तो जरूर आपको मिलेगा, इंतजार का फल मीठा होगा। तो कपाल भाती देखो सिखाइए, ज्यादा नहीं करूंगी, हाथ को द्रोण अवस्था करें, ये इस तरह रखें, बीच में का पोर्शन ढीला छोड़ना है, इस तरह वजन हाथ पे आएगा, पेट का एक्चुअली इसको करते भी है ना तो वो खड़े रह के करते, वो बहुत अच्छी रहती है कपाल भाती, देखो ये ऐसे भी करो, ऐसे भी करके देखो, कंफर्टेबल लगना चाहिए, आप ऐसे भी बैठ के भी कर सकते हो, देखो पूरी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए,
सात झटके से जाना, उतने झटके से पेट फूल जाना। मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ, पहले एक सेकंड में एक, 60 बार एक मिनट में होनी चाहिए। तो प्रयोग करिए और इसको बढ़ाते 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 एक मिनट में 120 बार स्ट्रोक होनी चाहिए। तो कोशिश करनी है एक सेकंड में एक, मिनट में घड़ी लगा के देखना कि आपके कितने होते, तो वो ही बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी में मैं स्पीडी करके दिखाती हूँ। हलन चलन ऐसी नहीं, बॉडी मत हिलाना, पूरी बॉडी स्ट्रेट, बीच में का पोर्शन ढीला और प्रयोग। कपालभाति और भस्त्रिका हमारे कोरोना के लिए बहुत उपयुक्त प्राणायाम है। सारे ही प्राणायाम बहुत उपयुक्त है, जो अच्छा तरह करेगा उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो आइए अब हम अंत क्लास की एंड की ओर जा रहे हैं। तो 21 जून ध्यान रखना है, योग में बनना है, योग का ही चिंतन करना है, योगिक लाइफस्टाइल तब तक सीखनी है। तो आइए हम खड़े रहते हैं और लास्ट का एक पर्वतासन करते हैं, एक हम ताड़ासन करते हैं, ताकि हमारा जितने भी बॉडी में तनाव आया उसको निकालना है। बैठे बैठे ये पेट को हमने झटके दिए, इससे जो तनाव आया वो निकालने के हिसाब से ताड़ासन, ताड़ासन सिखाया हुआ है। दोनों हाथ लो, उल्टे करने खींचते हुए धीरे धीरे हाथ कान के बाजू में आएंगे, खींचो खींचो, खींच का अनुभव करे और एड़ी ऊपर उठाए, अंगूठों पे कितनी देर खड़े रह सकते हैं कोशिश करें, स्थिर रहने की कोशिश करनी, जितना देर रह सकते नहीं रह सकते तो पैर रखो, वापस उठाओ, वापस करो, वापस उठाओ, पर कोशिश करना कि थोड़ी देर इसमें स्थिर रहे, ठीक है। अभी हमें प्रार्थना करनी है, तो तैयार सब प्रार्थना के लिए। आज हमने उनका स्टार्ट में किए हैं, तो हम इनमें आज महाप्राण ध्वनि करके प्रार्थना करेंगे, हाथ नमस्कार स्थिति में करेंगे। संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ मैं चैतन्य में हूँ, मैं शक्ति में हूँ, मैं आनंद में हूँ, मेरे शरीर के भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का, अनंत आनंद का स्रोत बह रहा है, उसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। महाप्राण ध्वनि, देव के आभारी है। ओम अरहम, सीधा हाथ ऊपर, एक बार वृक्षासन, तनाव वर्ग विराम। ओम अरहम, ओम अरहम।